जनपद हापुड़ थाना कपूरपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत दहीरपुर में न्यूज इंडिया फर्स्ट की टीम ने की विकास कार्यों की पड़ताल। अक्सर गांव के प्रधान पर गांव में विकास कार्य न करने और भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, लेकिन ग्राम पंचायत दहीरपुर में एक ग्राम प्रधान ने इन आरोपों को किनारे कर गाँव में विकास कार्य की तस्वीर बेहतर कर दी है। गाँव में सभी सुविधाओं को प्रधान ने हाईटेक किया है। ग्राम पंचायत दहीरपुर में 1200 का पोलिंग होता है और जिसमे ग्राम प्रधान ने इंटरलॉकिंग रास्ते और RCC रास्ते, शौचालय खम्भों पर लाइट, ग्राम पंचायत में तालाब का सौंदर्यकरण, अमृत सरोवर, ग्राम पंचायत में वृद्धा पेंशन। न्यूज इंडिया फर्स्ट की टीम ने जब प्रधान जी से कुछ विकास कार्यों को न होने को लेकर चर्चा की तो प्रधान जी ने बताया कि अब की 80% बजट काटने के कारण कुछ विकास ग्राम पंचायत में रुके हुए हैं, जैसे सचिवालय, बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, एक दो रास्ते हैं। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अपील है कि ग्राम पंचायत में भी ध्यान दिया जाए जिससे बजट आ सके और ग्राम पंचायत में रुके हुए विकास कार्यों को जनता के बीच पूरा कराया जा सके। देखिए गुलजार अली के साथ शिबा आजाद की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट के खास कार्यक्रम में, बातचीत से हर समस्या का समाधान। आपको लेकर के आ गया हूँ मैं आज जनपद हापुड़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत दहीरपुर में, जहाँ न्यूज इंडिया फर्स्ट की टीम एक सर्वे कर रही है 2 साल बेमिसाल, कौन सी ग्राम पंचायत है खुशहाल, कौन सी ग्राम पंचायत है बदहाल, अगर कहीं पाया जाता है भ्रष्टाचार न्यूज इंडिया फर्स्ट की टीम करेगी उजागर। इसी चीज़ को लेकर के आज हम ग्राम पंचायत जो हापुड़ के अंतर्गत आने वाली है वो दहीरपुर में है, वहीं बात करेंगे यहाँ की प्रधानी जो मौजूदा प्रधान जी हैं उनसे कि 2 साल में उन्होंने जनता के बीच क्या क्या विकास कराए हैं। क्या नाम आपका? जी लता देवी। आपने जो 2 साल में जनता के बीच में विकास कराए हैं उसके बारे में आप बताइएगा। जी 2 साल में हमने 1 साल तो सफाई कराई है जी, और RCC करवाई है। RCC के कितने रोड करा चुके होंगे आप जनता के बीच? जी एक ही रोड कराया है। बच्चों के लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, सचिवालय का निर्माण? जी स्थान ही नहीं है उसके लिए। खंभों पर लाइटें? लाइटें हैं। दृष्टिकोण रखते हुए CCTV कैमरों की तरफ कोई ध्यान हो आपका? जी अभी नहीं है। शौचालय बनवाए हो ग्राम पंचायत में? हाँ जी शौचालय भी हैं। अमृत सरोवर का निर्माण? हाँ ये भी निर्माण भी है। तालाबों का सौंदर्यकरण कराया हो? हाँ ये भी कराया है। नालियों का निर्माण? नालियों का निर्माण भी कराया है। आपके ग्राम पंचायत में कितने सफाई कर्मचारी आते हैं? एक ही कर्मचारी है। कितना पोलिंग होगा आपके ग्राम पंचायत का, कितनी वोट होंगी? पोलिंग 1500 के एयरफेयर में। लगभग में कितना बजट आ चुका होगा जनता के बीच विकास कार्यों को लेकर के? बजट 30,000 भी है, 28,000 भी है और 50-65 के एयरफेयर में भी है। आपने बड़का नहीं है। आपने ग्राम पंचायत में वृद्धा पेंशन भी बनवाई है? हाँ बनवाई है। लगभग कितनी वृद्धा पेंशन बनवा चुके होंगे आप? लगभग होंगी 200-250 के करीब में। आपकी ग्राम पंचायत में कोई गौशाला भी है? नहीं ग्राम पंचायत में नहीं है, ब्लॉक के उसमें हैं। ये 3 है, एक नंदपुर में है, एक समाने में है। ये जो विकास नहीं हो पाया आपके यहाँ पर, ना ही CCTV कैमरे लगवाए गए हैं, ना ही यहाँ पर सचिवालय है, ना ही उसमें लाइब्रेरी है, पढ़ने बच्चों के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी होती है, तो ये किस कारण नहीं बनवा पाए हैं आप? किस कारण निर्माण नहीं करा चुके हैं आप ग्राम पंचायत में, कुछ बताना चाहेंगे आप? ये बजट के कारण नहीं बन पाया है। जब पीछे से बजट ही नहीं है तो किससे निर्माण होगा? बजट के साथ ही तो निर्माण है। अब की बार बजट की क्या कटौती चल रही है? हाँ जी कटौती चल रही है। आने वाले समय में जो ये 2 वर्ष बच रहे हैं आप जनता के बीच क्या विकास करना चाहेंगी? देखो बजट आप पीछे से तो विकास करना चाहूँगी जो आगे के लिए भी पब्लिक याद रखे। जनता की कोई समस्या रहती है आपको, आपके पास आते हो अपनी समस्या लेकर के विकास कार्यों को लेके? हाँ विकास कार्यों के लिए आते हैं। आप क्या आश्वासन देते हैं उन्हें? आश्वासन क्या देते हैं? यही आश्वासन देते हैं हम भी, जैसे जैसे पीछे से बजट आएगा ऐसे ही हम कराएंगे। पीछे से बजट ही ना रहे तो हम तो आश्वासन क्या दे बेचारों को। एक संदेश है माननीय प्रधानमंत्री जी का, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि आपके ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी नहीं है जिससे कि बेटी अपने लाइब्रेरी में पढ़ सकें, तो इसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश मैं यही देना चाहूँगी, इस गांव में कोई जगह निकले ऐसी और लाइब्रेरी का निर्माण हो जो बच्ची अपना पढ़ सकें उसमें।
आज हमने एक जनपद हापुड़ के ग्राम पंचायत में जो है सर्वे किया दहीरापुर में, तो वहीं हमने जाना प्रधान जी से, उन्होंने बताया जो विकास नहीं हुए हैं क्या कारण रहा जो विकास नहीं हुए, तो उन्होंने बताया कि अब की बार बजट ना आने के कारण विकास सही तरीके से नहीं हो पाए हैं और जनता यहाँ पर जो ग्राम प्रधान जी को लेकर के रोष जताती है। बने रहिए हमारे न्यूज़ इंडिया फर्स्ट के साथ। गुलजार अली के साथ शिवा आजाद की खास रिपोर्ट।